तो भाई जब किस्मत खराब हो तो सोना भी ठट्टी बन जाता है। यार एशिया कप चल रहा है वुमेन्स का, मैं इस वजह से नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम हार गई, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बना रहा हूं। जब किस्मत खराब होती है ना, जब आप सोना भी उठाते हो ना, तो वो भी टट्टी बन जाता है। वेल डन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हिंदुस्तान वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन टीम को जो है वन साइडेड मैच से हरा दिया है। और आज दोस्तों पहला मैच हुआ था नेपाल वर्सेस यूएई का, बहुत बढ़िया मैचेस गए, दोनों मैचेस वन साइडेड गए। यहां पे देखे भाई, भाई 45 बॉलों पे 72 रन बनाए हैं नेपाल के। वेल्डन ब्रेव लेडी भाई, क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। और साथ तो साथ भाई ये भी सुनते जाएं कि भाई शिफाली वर्मा ने और मंदाना ने मिलकर दोस्तों पाकिस्तान की वुमेन टीम को जो है क्रश कर दिया। वन साइडेड मैच जो है वो सिर्फ 14 ओवर में जो है वो चेस कर लिया, 108 रन का ही तो वो टारगेट था, लेकिन उसको बड़ा इजी तरीके से जो है उसे चेस करने में कामयाब हुई है। और भाई अपनी टीम के अंदर जो है वो नेट रन रेट से टॉप पे बैठ चुकी है। वही क्रिकेट, वही ग्राउंड, वही कहानी, वही नेट रन रेट, वही भाई जो है क्या बोलते हैं पॉइंट टेबल। सिर्फ जेंडर थोड़ा चेंज है, वो मेन थे ये वुमेन्स है। तो भैया कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी हो, थोड़ा तावीज वावीज करवाओ कहीं से यार, ये इतनी बदबख्ती कहाँ से आ गई है, जज्बे वाली कौम ऐसे कैसे गिर सकती है भाई। आई कांट बिलीव यार। सिर्फ मैं ही नहीं भाई, मेरे सारे फॉलोअर, पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, कांट बिलीव यार, ये क्या हो रहा है भैया। कुछ लोगों ने कमेंट में मेरे वीडियो में, जब चैंपियंस लीग हो रहा था तो भाई लेजेंड प्लेयर्स ने जब पाकिस्तान को फाइनल में हराया था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पठान भाई रुको, हमारी लड़कियां भी इन्हें हराएगी। मुझे हंसी तो उस टाइम भी आ रही थी, लेकिन मैं कंट्रोल करके रखा हुआ था। और आज वैसे ही हुआ। लगता है तुम्हारी किस्मत में खुशी है ही नहीं भाई, असल में पाकिस्तान की किस्मत से खुशियां चली गई है, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जो है उस पर बड़ा हंसे हो, बड़ा ट्रोल किया है, बड़े ड्रामे किए हैं, अब तुम्हारी किस्मत में खुशी है ही नहीं, मेरा मान होना। देखो यार पड़ोसियों, मैं तो बड़ा टाइट मशवरा देता हूँ, और मैंने आज तक जिस जिस को भी मशवरे दिए हैं, वो जाके कोई पीएम बन चुका है, कोई पायलट बन चुका है, कोई क्या बन चुका है। मैं तुमको मशवरा देता हूँ, या क्रिकेट विकेट छोड़ दो मेरे भाई, क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए तुले हुए हो, या क्रिकेट छोड़ दो भाई, जाके को गोटियां वोटियां। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई नेपाल को भी और हिंदुस्तान को भी, वेल डन भाई। वुमेन एशिया कप में आज दो बड़े मैचेस काफी ज्यादा जबरदस्त रहे और दोनों ही मजेदार रहे भैया। तो जनाब पाकिस्तान की मेंस की टीम हो, लेजेंड्स की टीम हो, या फिर जो वुमेन्स की टीम हो, इंडिया के सामने वो जीरो ही नजर आती है। जब जब इंडिया के सामने जाती है भाई साहब, वो फेंटा खा के आती है। आज एशिया कप 2024 का वुमेन्स का जो मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान की टीम टोटल जो है वो 108 रन बना के ऑल आउट हो गई भाई साहब 19 ओवर में, और इंडिया की टीम ने आराम के साथ ही टारगेट जो है चेस कर लिया। और शिफाली वर्मा और साथ में जो स्मृति मंदाना ने मार मार के उल्ली निकाल दी है, क्या कमाल की यार उन्होंने आके बैटिंग की है। उन्होंने बता दिया है कि T20 में ठुक ठुक नहीं करते हैं, बल्कि T20 में इस तरह से खेलते हैं, और आप तो अपने मैंस की तरह ठुक ठुक ठुक। ये कौन सी बैटिंग थी भाई, ये कौन सी बैटिंग कर रही थी, आप मुझे ये बता दें। 108 रन 19 ओवर खेल के बना रही हैं ये, और आप देखें कि जो आप किसकी बात करें, गुल की बात करें, 5 बॉलें 5 रन, मुनीबा अली 11 बॉलें 11 रन, ये जो है वो T20 मैच था, है ना।
फिर उसके बाद जो वो अमीन की बात करें, सिदरा अमीन की बात, तो 35 बॉल 25 रन। वाह जी, ये T20 मैच था। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो भाई क्या कमाल की जो है बैटिंग की है शिफाली वर्मा और साथ में स्मृति मंदाना ने, दोनों ने जो है वो ओली निकाल दी। आप देखें कि जो है वो आते साथ दोनों जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही थी, और स्मृति मंदाना की 50 बिल्कुल करीब ही थी। 45 रन 31 बॉलें 9 चौके इन्होंने लगाए, 145 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जो है उसके बाद सीधा हाथ में जो है वो कैच दे के ये आउट हो गई, लेकिन मैच जो है वो इंडिया की झोली में डाल के ये गई है, ठीक है। और साथ में शिफाली वर्मा की क्या ही बात करें, वो तो भाई ऐसा लगता रहता है कि भाई इसने हर बॉल पे छक्का या चौका ही मारना है। 1 ओवर में 15 रन लगा दिए, फिर जो है वो जो 8वां ओवर था मेरे ख्याल में, 8वें ओवर में आके जो है वो 21 रन लगा दिए। आप देखें 21 रन तूबा को लगा दिए, 4 बल्कि 5 चौके लगा दिए, 1 वाइड बॉल थी, 5 चौके जो है उसको लगा दिए। यानी कि ये होता है भाई साहब T20 क्रिकेट। और हमारी वुमेन्स की टीम जो है मेन्स की तरह बस जलीली होना लिखा हुआ है, और इस टीम को मैंने कभी जीतते हुए देखा ही नहीं है। अपने घर में ये वाइट वॉश हो जाती हैं, 1 साल में कोई 1 बार हम सुनते हैं कि यार कोई मैच जीत लिया, और इनकी जीत शायद वही होती है कि ये फाइट किसी मैच में कर लेती हैं, बस उसके बाद केक काटा जाता है कि आज हमने फाइट कर ली है। नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, कल पाकिस्तान रो ओमेन टीम नैराश्यजनक प्रदर्शन रही था, भारत 108 रन पाकिस्तान को ऑल आउट कर देता। आपन तो पठान भाई रिएक्शन देखिले जे नेपाल रु भी पाकिस्तान हारी जाता, बर्तमान भारत रु हारला। कल भारत एक तरफ भाव मैच जीति नहीं, शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना जो भाव बैटिंग कर प्रशंसा योग्य, कमाल की बैटिंग कल कर। पाकिस्तान बर्तमान बेला खराब, नेपाल रु भी मैच हारला, भारत रु एक तरफ मैच पूरा हारी जाए पाकिस्तान। 108 रन ऑल आउट हो जाता, भारत जवाब 3 विकेट हर मैच आराम से जीति जाए जी। तो फ्रेंड्स, बर्तमान पाकिस्तान पुरुष टीम भाया तो महिला टीम मध्य दशा सेम दशा भोगिया पड़ी। जो पाकिस्तान बड़ बड़ कथा कह था आज से तार खेल प्रदर्शन देख पारे कौ भाया खेल प्रदर्शन करते। तो फ्रेंड्स, यदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए तो भिडियो को लाइक करूँ, सेयार करूँ, एवं इंडियन फैंस न्यूज को सब्सक्राइब करूँ, जहाँ फल नुआ नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो आपने चैनल माध्यम देखिपारे। धन्यवाद।